नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। तो उन सारे लेवल्स को जानने की कोशिश करेंगे जो आने वाले वीक में अपने मार्केट के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं। कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स भी होने वाले हैं जो कि अगर अपने डायरेक्शन में जाते हैं तो अच्छा खासा मूव देखे जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद तो लाइक, और चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब ताकि आने वाले जो भी इंपोर्टेंट अपडेट है आपको टाइम से मिल सके। तो सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर और बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में, उसके बाद हम लोग आएंगे स्टॉक्स के ऊपर। तो सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी ने लास्ट डे में अपने को लगभग फ्राइडे की अगर बात करते हैं तो लगभग अच्छी खासी साइडवेज टू डाउनसाइड मोमेंटम दिया था, और क्लोजिंग की बात करते हैं तो 24,964 के आसपास अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। और लास्ट के दो कैंडल को अगर देखते हैं जो कि अपना था वेनेसडे एंड नेक्स्ट डे था थर्सडे, उन दोनों के कैंडल को अगर देखते हैं तो वो साफ साफ अपने को ये इंडिकेट करते हुए दिख रहे हैं कि अपर साइड में अपने पास सेलर एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। अब जरूरी लेवल्स क्या बन जाते हैं, जब तक अपने पास 24,700 का लेवल प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं होता अपने को फुली बेरिश नहीं होना है, मतलब एक क्रैश के लेवल को अपने को नहीं देखना है। लेकिन जैसे ही वो ब्रेक होगा अपने को बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जहां पे हो सकता है आने वाले वीक में 24,400 का पहला टारगेट हो सकता है डाउनसाइड के अंदर। उसके नीचे अगर देखते हैं तो सीधा 24,200 के लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर यहाँ पे क्लोजिंग देने में सक्षम हो जाती है निफ्टी 25,230 के ऊपर, मतलब यहां से हम लोग कैलकुलेट करके चल सकते हैं लगभग 300 पॉइंट अगर ऊपर क्लोजिंग हो जाती है डेली पे और नेक्स्ट डे अगर सस्टेन कर जाता है तब यहाँ पे निफ्टी अच्छे खासे बुल रन मेंटेन करती हुई नजर आएगी, जहां पे हम लोग देखेंगे सीधा 25,600, 25,700 और 26,000 के लेवल भी आने वाले टाइम में हिट करती नजर आएगी। तो दोनों मोमेंटम के लिए मार्केट रेडी है, लेकिन जरूरी है लेवल्स को फॉलो करना। अब बात करने वाले हैं कल के लिए इंपोर्टेंट लेवल्स क्या होने वाले हैं। बात करेंगे अगर निफ्टी की तो निफ्टी के अकॉर्डिंग जो अभी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल निकल के आते हैं वो होने वाला है 25,150 से लेकर 25,110 का लेवल, जो कि पहला रेजिस्टेंस निकल के आ सकता है अपने निफ्टी के लिए। और किसी प्रकार से अगर इसको ब्रेक कर देता है तब भी अपने को बुलिश नहीं होना है जब तक ये लेवल क्रॉस न कर जाए। तो अगर यहाँ पे एक हाईलाइटेड लेवल आपके पास और यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा तो इस लेवल को यहाँ पे अगर देखते हैं तो 25,240 से लेकर 25,200 का जो लेवल है वो लास्ट हर्डल और एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है निफ्टी के लिए। तो जब तक 25,240-250 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करती हुई ना दिखे अपने को प्रॉपर बाइंग के साइड में नहीं जाना है, तो ये अपने को अच्छा खासा ट्रैप कर सकता है इंट्राडे वाइज। बात करेंगे अगर 25,240-250 के ऊपर सस्टेन करने में सक्षम हो जाती है निफ्टी, तब अपने को निफ्टी यहाँ पे आने वाले टाइम में 25,380 और हो सकता है कुछ टाइम बाद अपने को 25,400-450 के लेवल भी दिखा सकता है। अब बात करते हैं डाउनसाइड की, उससे पहले एक पैनिक लेवल की बात करते हैं जो अभी के अकॉर्डिंग अपने को देखने को मिल रहा है। एक जरूरी लेवल अपने पास निकल के आता है 24,920 का लेवल, उसके नीचे जब निफ्टी सस्टेन होना स्टार्ट करेगी तो अपने को अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी देखें तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है क्योंकि ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो सीधा साबित होता है अपने को 25,020 और उसके बाद देखेंगे तो सीधा 25,110 के आसपास, मतलब ऊपर के रास्ते अभी खुले हुए हैं। लेकिन 24,920 को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो अच्छे खासे डाउनफॉल के टारगेट देखने को मिलेंगे, जहां पर अगला सपोर्ट निकल के आता है 24,850 से लेकर 24,700 का लेवल, जो कि बढ़िया और आखिरी सपोर्ट होने वाला है बुल्स के लिए। अब बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे उसके क्या मूव हो सकते हैं आने वाले वीक में। अगर यहाँ पे वीकली बात करते हैं तो बैंक निफ्टी को अगर कंपेयर करते हैं निफ्टी के मुकाबले तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया है निफ्टी के कंपेयर में। और क्लोजिंग की बात करते हैं तो फ्राइडे को अपने को क्लोजिंग दोनों ही मार्केट में नेगेटिव ही देखने को मिली, लेकिन बात करें बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो अगर मैं क्लोजिंग की बात करता हूं तो 51,172 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, जहां पे एक बार इसने लो लगा दिया था 51,005 का। तो सबसे बड़ी बात है जो हमने यहाँ पे लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, जब तक इसको ऊपर एक दिन की क्लोजिंग और नेक्स्ट डे सस्टेन नहीं करता जो लेवल निकल के आता है 51,750-760 का, उसके ऊपर जब तक एक दिन की क्लोजिंग और नेक्स्ट डे सस्टेन नहीं करता अपने को प्रॉपर तरीके से बुलिश नहीं होना है। लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है तो अपने को बहुत अच्छा खासा अपर मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अभी के अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी में क्या लेवल बनते हैं अगर पोजिशनली देखते हैं तो 50,900 का लेवल है जो कि बढ़िया सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो अपने को बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, जहां पे 50,500 का पहला टारगेट होगा, 50,320 का सेकंड टारगेट होगा लोअर टाइम में। और अगर 50,320 को सस्टेन कर जाता है नीचे की तरफ, मतलब ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है, तो हो सकता है अपने को आने वाले टाइम में 50,100 से लेकर 49,950 के लोअर लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बात करने वाले हैं कल के लिए कौन से इंपोर्टेंट लेवल साबित हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। अगर यहाँ पे देखें तो जब तक यहाँ पे इंट्राडे वाइज
50,900 के लेवल को ब्रेक नहीं करती बैंक निफ्टी, अपने को फुली बेरिश नहीं होना है, लेकिन अगर उसको ब्रेक करके सस्टेन करती है तो डाउनफॉल में अपने को अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो अपना सपोर्ट निकल के आता है वो सीधा ये हो रहा है जो कि अपना हाईलाइट हो चुका है यहाँ पे, 50,490 से लेकर 50,920 का जो लेवल होगा वो अगला सपोर्ट निकल के आएगा अगर 50,900 का लेवल ब्रेक होता है तो। बात करने वाले हैं अभी के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 51,260 का लेवल है जो कि एक हर्डल बन सकता है बैंक निफ्टी के लिए अभी के अकॉर्डिंग। उसको अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है तो अपने को आराम से 51,450 का पहला टारगेट होगा अपर साइड में, 51,520 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है अपने को 51,600 के लेवल भी देखने को मिल जाए। यहीं पे निकल के आता है एक रेजिस्टेंस जो कि रेजिस्टेंस के अगर लेवल की बात करते हैं तो 51,470 से लेकर 51,750 का जो लेवल है वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छा खासा हर्डल साबित हो सकता है। तो जब तक 51,750 के ऊपर सस्टेन ना करे बैंक निफ्टी को अपने को बाइंग साइड में नहीं जाना है, क्योंकि एक अच्छा खासा ट्रैप देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सस्टेन करता है तो अपने को ऊपर के जो अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिलेंगे जो कि सीधा लेके जाएंगे 52,000, 52,200 और 52,400 के लेवल भी अपने को देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में। तो ये तो अपनी सारी बात हो गई बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। आते हैं कुछ सिलेक्टेड स्टॉक के ऊपर और बात कर दूं उनके लेवल्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं टाटा मोटर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। टाटा मोटर्स अभी ये एक अच्छा खासा हर्डल फेस करता हुआ दिख रहा है 950 का। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता अपने को बाइंग के साइड जाना थोड़ा सा उचित नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है अगर मार्केट में थोड़ी सी भी मोमेंटम आती है डाउन साइड की तरफ तो ये अपने को लीड करके देख सकता है, और अपने को आने वाले टाइम में 910-915 का पहला टारगेट लोअर टाइम में, और अगर इसी तरीके से मार्केट में थोड़ी सेलिंग रहती है ऑटो सेक्टर ने थोड़ा सा भी बियरनेस को सपोर्ट किया तो अपने को सीधा अपने को 890-895 के भी लेवल दिखा सकता है टाटा मोटर्स। तो अभी जब तक 950 के ऊपर सस्टेन न करे बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की होने वाला है। बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस की अगर मैं बात करता हूं तो एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला एक रिजल्ट के बेस पे, लास्ट में गैप डाउन होना, फिर गैप डाउन के बाद गैप मतलब एक सारे गैप को फिल कर देना, और फिर वह ऊपर से अपने को सेलर्स एक्टिव होते हुए नजर आए। फाइनली अगर मैं वीकली पे देखता हूं तो एक अच्छा खासा रेंज का ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब तक जो फ्राइडे का लो था वैसे ही लो अपने पास यहाँ पे चार्ट पे देखने को मिला था, जब तक उसके नीचे सस्टेन न करे अपने को बेयरिश साइड में नहीं जाना है। लेकिन हाँ, कोई अगर अपने को अपर मूवमेंट देखने को मिलता है 4,250 के आसपास अगर ऊपर आती है टीसीएस की काउंटर और यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है कोई भी बेयरनेस तो अपने को जरूर यहाँ पे अपने को एक फुट की एंट्री बन सकती है। जहां पे स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 10 का यहाँ पे अपने को एक स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे हम लोग दोबारा से फुट में एंट्री बना सकते हैं, तो इसको रडार में रख के चलना है। ब्रेकआउट के साइड अभी थोड़ा सा नहीं जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिले डाउन साइड की तरफ। रिजल्ट का सेशन है तो हो सकता है टीसीएस या सॉरी टेक महिंद्रा विप्रो इन सबके रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो आईटी सेक्टर में अगर बूम देखने को मिलती है तो अपने को ये थोड़ा सा अपर मूवमेंट भी देखने को मिलेगा, तो इस रेंज में अगर आता है तो अपने को थोड़ा सा सेलिंग हम लोग प्लान कर सकते हैं। बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। अगर रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस में एक रिजल्ट का इफेक्ट देखने को मिल सकता है, और इसके रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो ये है मंडे को। अगर मंडे को इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं फिर भी अपने को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी आता है अगर खराब भी आता है तो अपने पास एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे इसका वेट कर रहा है जिसके लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो 2685 से लेकर 2640 का लेवल है जो कि बहुत बड़ा सपोर्ट साबित हो सकता है रिलायंस के लिए, और यहाँ पे अगर आता है तो अच्छा खासा अपने को बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एक अच्छे खासे रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। तो अपने को स्टॉप लॉस रखना है 2640 का, उसके नीचे अपने को अगर जाता है तो एग्जिट कर जाना चाहिए, लेकिन अगर इसके बीच में आता है तो मुझे लगता है कि खरीदारी के लिए अच्छा मौका होगा। बात करने वाले हैं बुलिशनेस अपने को कब देखने को मिलेगी। बुलिशनेस अपने को तभी देखने को मिलेगी जब ये 2800 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखेगा, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा डाउनफॉल का इंडिकेशन देखने को मिलेगा या फिर अपने को थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है इसी रेंज के बीच में। बात करने वाले हैं कमिंस इंडिया के बारे में, जिसको नजरें बनाए रखनी है कल के लिए। जैसा कि हमने देखा यूएस मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला फ्राइडे के लास्ट सेशन में जब अपनी इंडियन मार्केट बंद हो चुकी थी, उसका इफेक्ट अगर अपने को देखने को मिलता है या फिर डॉ जोन्स के फ्यूचर में कोई बड़ी गिरावट अपने को देखने को नहीं मिलती जब अपनी मार्केट ओपन होने वाली होगी तब अपने पास कमिंस इंडिया के काउंटर में अपने को रडार में रख के चलना है। जहां पे लास्ट टाइम अपने को क्लोजिंग देखने को मिली थी 3614 के आसपास,
यहाँ पे अगर कोई भी अपने को गैप अप देखने को मिलता है 3760 3770 के आसपास, तो यहाँ पे अपने को जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। और वहां पे अगर थोड़ा सा भी अपने को बिजनेस दिखाता है तो हम लोग डेफिनेटली एक फुट के साइड में जा सकते हैं 3800 के फुट में। बात कर सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस की, जो कि होने वाला है 3840 3850 का 5 मिनट के क्लोजिंग बेसिस पे। बात करने वाले एक छोटे से डिस्क्लेमर के बारे में, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग सेलिंग करने की सोच रहे हैं तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया जो भी लेवल से ये मेरी खुद की नॉलेज है और किसी को बाइंग या फिर सेलिंग की सलाह नहीं है, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है, किसी के बोलने में पैसे नहीं लगाने हैं। जब तक आपके रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउ नहीं करता, जब तक आपकी स्टडी किसी की भी स्ट्रेटजी के साथ मैच नहीं करती, जब तक आपको ये नहीं पता कि होता कि यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस होता है तो कितना बड़ा लॉस हो सकता है, तब तक उस सारे ट्रेड्स को इग्नोर करना ही बेटर होने वाला है। तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें। इस केस में अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है तो अपने को इंट्राडे बाइस अगर मैं टारगेट की बात करता हूं तो 3700 का पहला टारगेट होगा, उसके बाद देखेंगे तो हो सकता है 3650 का सेकेंड टारगेट डाउनफॉल में, और हो सकता है फिर से लोअर यहाँ पे अपने को देखने को मिल सकता है 3600 का थर्ड टारगेट, और अगर मार्केट थोड़ी सी सेलिंग की तरफ जाती है तो 3500 के लेवल भी दिखा सकता है कमिंस इंडिया का काउंटर। बात करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में, जहां पे लगभग 12% का अपर मूव भी देखने को मिला था अपने को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। बैंक निफ्टी कहां जा रही है, निफ्टी कहां जा रही है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया क्योंकि इसकी न्यूज आई थी और न्यूज इसके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव साबित हुई। क्लोजिंग की बात करते हैं तो 210 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है और अभी एक बहुत अच्छा खासे हर्डल के पास पहुंच चुका है, और मुझे लगता है कि इतनी आसानी से ये ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। स्टॉक ऑलरेडी अभी एफएनओ बैन में है तो हम लोग ऑप्शन में प्लान नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये 215 के रेजिस्टेंस के हायर लेवल को भी ब्रेक करता है तो अपने पास एक बहुत अच्छा खासा लेवल निकल के आता है, जो कि 218 से लेकर 222 का लेवल होने वाला है, जो कि रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। तो जब तक 222 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नहीं देखता, अपने को बाइंग से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, और यहाँ पे अगर कोई बायो डिप की ऑपर्चुनिटी मिलती है तब हम लोग प्लान कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे खरीदारी करना थोड़ा सा मेरे को लगता है कि फंसा सकता है। जब ये यहां से इसमें गिरावट देखने को मिली थी तब आपके साथ बोला था कि ये सपोर्ट को ध्यान रखना है, सपोर्ट को इसने आया, हाँ ब्रेक हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया और फिर यहां से अच्छा खासा गैप अप देखने को मिला था। तो इसलिए बोलते हैं कि जब तक आपको प्रॉपर रिसर्च नहीं मिलती, आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बोलता हूं बार बार कि फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आने वाले टाइम में जो भी रिसर्च है मैं आपको टाइम से शेयर कर पाऊंगा, और कुछ भी आपको सीखने को मिले तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छे खासे कंटेंट का एक बल्क आने वाला है। बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, ये निकलने वाला है फार्मा सेक्टर से। बात करेंगे यहाँ पे ग्रानुल्स इंडिया के बारे में, जहां पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट का कैंडिडेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 603.4 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, कोई भी सडन डिप देखने को मिलता है 580 या फिर मौका मिलता है 665 के आसपास, हम लोग बाइंग के साइड में जा सकते हैं। 540 का एक स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट की अगर मैं बात करता हूं तो सीधा जो टारगेट निकल के आता है 640 का पहला टारगेट हुआ, 658 का नेक्स्ट टारगेट, और हो सकता है अब यहाँ पे 670-80 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है, कोई भी डाउनफॉल देखने को मिले तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग ऊपर के साइड में जा सकते हैं पोजिशनली। बात करेंगे टीवीएस 18 के बारे में, टीवीएस 18 की किसी की क्वेरी आई थी और यहाँ पे अगर मैं कवर करता हूं तो यहाँ पे अगर मंथली पे देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसने बार बार ब्रेकआउट अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, लेकिन सडन कोई ना कोई न्यूज के कारण इसमें यहाँ पे बिकवाली यहाँ पे बार बार हायर लेवल से देखने को मिल रहा है। अभी के अकॉर्डिंग में देखता हूं तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस निकल के आता है या फिर बोले सपोर्ट निकल के आता है वो होगा 38 रुपीज का। 38 रुपीज के अगर नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो मुझे लगता है इसके अंदर और भी फर्दर यहाँ पे गिरावट के मंजर देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक 38 के लेवल को ब्रेक ना करे अपने को फुली यहाँ पे बेरिश नहीं होना है, लेकिन अगर वो रिस्पेक्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो अपने को आने वाले टाइम में और भी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। और जिनका व्यू ये है कि मैं यहीं से बाय करके यहाँ पे अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो बाइंग करने की सोच रहे हैं, जैसा कि लास्ट टाइम ने ट्रेडिंग सेशन में देखा लगभग 6% का अपर मूव देखने को मिला, और क्लोजिंग की बात करते हैं तो लगभग 44 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो यहाँ पे जो सोच रहे हैं कि मैं बाय करके यहाँ पे अच्छा खासा गेन प्रॉफिट बुक कर सकता हूं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा काफी रिस्की साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे पहुंच चुका है अपने हर्डल के पास, और हर्डल के रेंज की बात करते हैं तो 44 से लेकर 46.20 का जो एक लेवल है वो इसके लिए बहुत अच्छा खासा हर्डल साबित हो सकता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि 38 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तो अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, लेकिन बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी बन सकती है या फिर 46 के लेवल को क्रॉस कर देता है तब, क्योंकि यहां से दोबारा से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले एक दो दिनों में या फिर तीन चार दिनों के अंदर अपने को धीरे धीरे यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बात करने वाले हैं डीबी रियल्टी के बारे में। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो 175 का सपोर्ट होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसके अंदर ब्रेकआउट होता है तो बड़े यहाँ पे मूव देखने को मिल जाएंगे, तो अभी के अकॉर्डिंग 175 का सपोर्ट होने वाला है। बात करें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, तो बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे हम लोग फॉलो करके चल सकते हैं 175 के डेली क्लोजिंग बेसिस प्लस नेक्स्ट डे सस्टेन के साथ। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट सक्सेसफुली होता है तो अपने को सीधा यहाँ पे 220 का पहला टारगेट होगा, 234-235 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है आने वाले टाइम में 260 से 270 के लेवल भी देखने को मिल जाए। बात करने वाले हैं अगले काउंटर के बारे में, ये अपना होने वाला है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड। यहां पे अगर बात करते हैं तो 2274 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, लेकिन ये पहुंच चुका है एक मंथली के सप्लाई जोन में। सप्लाई जोन की अगर मैं ओरिजिन की बात करता हूं तो 2390 से लेकर 2560 का लेवल होने वाला है। यहीं पे अपने पास वीकली का सप्लाई जोन भी निकल के आता है और यहीं पे अपने पास है डेली का सप्लाई जोन। तो मुझे लगता है कि अगर यहां पे आता है तो इतने बड़े सप्लाई जोन के पुट के साथ में ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की होगा। वो पुट अपने को तभी प्रॉफिट देगा जब अपने को मार्केट एक तरफा अपने को डाउनफॉल देगी, और उसमें अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है मेट्रोपोलिस के अंदर तब अपने को प्रॉफिट हो सकता है। अदरवाइज ऐसे जोन को ट्रेड करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अगर इस जोन को हिट करता है 2400 के लेवल को अगर हिट करता है मेट्रोपोलिस, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं 2600 के कॉल ऑप्शन को सेल करके 2640, 2660 या फिर 2700 के कॉल ऑप्शन को बाय करके हेजिंग के साथ में हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। जहां पे स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो 2560-70 का स्टॉप लॉस होने वाला है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के अंदर। जाते जाते बात करने वाले हैं सेल के बारे में। अगर मैं सेल की बात करता हूं तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक अच्छा खासा यहाँ पे बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर 124 के लेवल को ब्रेक नहीं करता सेल का काउंटर तो यहाँ पे आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो वीकली पे सेल काफी स्ट्रांग लगता हुआ दिख रहा है अपने को, तो जब तक यहाँ पे 24 के लेवल को डेली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक ना करे अपने को बेरिश नहीं होना है। और यहाँ पे अगर देखेंगे एक दो दिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 135-36 के ऊपर, तो आने वाले टाइम में अच्छे खासे यहाँ पे ऊपर के लेवल देखने को मिल जाए। जहां पे अगर मैं बात करता हूं तो पहला टारगेट मुझे ऐसा नजर आता है अभी के अकॉर्डिंग 142-144 का पहला टारगेट होना चाहिए, उसके बाद देखेंगे तो 149 से लेकर 155 के भी टारगेट देखने को मिल जाएंगे, तो इसको रडार में रख के चलना है। तो गाइज ये थी अपनी रिसर्च कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में, होप आपको पसंद आई होगी, और आने वाले टाइम में जो भी मार्केट के लेवल्स है आपको जरूर यूजफुल लगे होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वाचिंग माय वीडियोस।